जब मेरे डैडी जज बन गए तो उसके बाद जजेस को एक LTC लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता था ट्वाइस अ ईयर, तो उसमें हम ज़्यादातर LTC चंडीगढ़ से परती की ही होती थी। हम सभी लोग, मेरे मम्मी डैडी और मेरी सिस्टर और दोनों ब्रदर्स, हम सब लोग वहाँ पर जाया करते थे। जिस समय थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई तब मैं सेवा दल में थी और मैं और मेरी सिस्टर वहाँ पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में सेवा दल में गए थे और स्वामी को बहुत दूर से देखकर दर्शन करने का मौका मिला। हम लोग की ड्यूटी वाटर सप्लाई टीम में लगी और वहाँ पर पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में लोगों को, भक्तों को पानी पिलाने की ड्यूटी लगी थी। बाल्टी में पानी उठाकर, साथ में मग लेकर, ग्लासेस में पानी देना होता था लेडीज़ को और साथ में इशारे से बताना होता था कि ऊपर से पीना है, ग्लास को जूठा नहीं करना। और हम लोग उस वक्त बहुत यंग थे और साड़ी भी पहननी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती थी। कई जगह पर पिन लगा के वाइट साड़ी पहन के चलना, बाल्टी उठा के पानी की, तो कभी साड़ी इधर उधर हो जाती थी तो आंटी लोग बहुत नाराज़ होती थी। वेस्ट प्रशांति 2 के वरांडा में हम लोग को जगह मिली जहाँ पे हमने सामान रखा और रात को हम वहीं पर सोते थे वरांडा में। और जो पब्लिक टॉयलेट्स थे वहाँ पर हम लोग सुबह जाके नहाते थे और वापस आके वहीं पर वरांडा में हम लोग रेडी होते थे। तो सुबह 5 बजे अभी अंधेरा होता था जब हम लोग रेडी होके साड़ी बांध के ड्यूटी पे पहुंच जाते थे। लेकिन वो सारा जो प्रोसेस था उसमें से निकलने से ऐसा लगता है कि जैसे स्वामी ने ये सिखाया कि अपने आप को कैरी कैसे करना है, कि एक डिग्निफाइड वे में कैसे साड़ी पहननी है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे उठना है। ये सब चीज़ें शायद एक पैसिव वे में उस समय स्वामी से हमको सीखने को मिली। 1982 में हम लोग फर्स्ट टाइम फैमिली के साथ गए थे जब स्वामी ने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी स्वामी ने बहुत प्यार दिया। और एक चीज़ जो मुझे याद है कि उन्होंने मेरे डैडी को बंगारू बोला और उसके बाद जब भी मिलते थे तो उनको बंगारू ही बोलते थे और हमें नहीं पता था कि बंगारू का मतलब गोल्ड है। लेकिन बाद में जब समझ आया तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती थी कि हमारे डैडी को स्वामी गोल्ड बोलते हैं। और वो मेरी मदर को भी बहुत प्यार करते थे और हर बार जब लेडीज़ डे पर मेरी मदर वहाँ जाती थी तो स्वामी साड़ी ज़रूर देते थे। तो स्वामी की 9 साड़ीज़ थी मेरी मदर के पास, जो उन्होंने, मेरी मदर ने जब अपनी डेथ से पहले वो बांट दी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में, तो मेरे तीनों बेटों के लिए, जो तीनों उस वक्त अनमैरिड थे, मेरी मदर ने एक एक साड़ी दी जो मैंने अपनी डॉटर इन लॉज को दी। फिर स्वामी की ब्लेसिंग्स थी वो। और एक चीज़ मेरे फादर से रिलेटेड आपसे शेयर करूँगी कि 1984 में पंजाब में टेररिज्म पीक पर था, भिंडरांवाला टाइम था और पंजाब में बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे टेररिस्ट्स अरेस्ट हुए थे और उनका ट्रायल्स जब होते थे तो मेरे फादर उस बेंच को हेड कर रहे थे जिसमें ये सब लोग पेश होते थे कोर्ट में। टाडा एक्ट, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट के अंडर सारे टेररिस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस होते थे और पुलिस प्रोटेक्शन होती थी सबको, तो मेरे फादर वो सब केसेस को हैंडल कर रहे थे और बहुत सेंसिटिव पोजीशन में थे। तो एक दिन रात का समय था, शायद 7-8 बजे होंगे, हमारे घर में बेल बजी और मेरा छोटा ब्रदर शायद 15-16 साल का था तब, उसने दरवाज़ा खोला तो एक यंग लड़का था, उसके हाथ में पिस्टल थी, उसने ऐसे उसकी तरफ पिस्टल पॉइंट करके ऐसे शूट किया।
विद इन अ रेंज ऑफ मे बी 2 feet, और मेरा भाई आशु उसके सामने था, लेकिन वो पिस्टल नहीं चली, और वो लड़का शायद डर गया कि मेरी पिस्टल नहीं चली, तो वो वहाँ से भागा, और घर के बाहर एक और उसके साथ कोई लड़का था मोबाइक पर, वो दोनों इकट्ठे फिर वहाँ से भाग गए। और कुछ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स उस वक़्त पंजाब और चंडीगढ़ में हो रहे थे, बहुत कॉमन थे इस टाइप के इंसिडेंट्स। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब हुई, बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े गए, तो किसी इंसिडेंट में वो दो लड़के भी पकड़े गए। और जब पुलिस इंटेरोगेशन में उन लड़कों ने बताया कि हम जस्टिस पुंछी के घर गए थे और उनके बेटे के ऊपर हमने ऐसे गन चलाई, तो हमारी पिस्टल चली नहीं, तो ये चीज़ वो लड़कों ने ही बताई। अब ये बात कनेक्ट कहाँ पे जाके हुई कि नेक्स्ट टाइम जब हम परती गए और हम इंटरव्यू रूम में थे, हम जब भी जाते थे तो मेरे डैडी को स्वामी इंटरव्यू ज़रूर देते थे, तो स्वामी ने मेरे डैडी को, जैसे ही इंटरव्यू रूम में गए तो स्वामी ने मेरे डैडी को बोला, मैंने पिस्टल को लॉक किया, आई सेव्ड योर लाइफ। और हम लोग एकदम स्टन हो गए, क्योंकि स्वामी को हमने तो बताया ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन ही न्यू एवरीथिंग, और उन्होंने कंफर्म किया कि जो उस लड़के ने एडमिट किया था पुलिस इंटेरोगेशन में कि मेरा पिस्टल चला नहीं, तो वो पिस्टल स्वामी ने ही लॉक किया था। दैट वाज स्वामी ने मेरे डैडी को बचाने का वो एक तरीका था उनका। मेरी मदर को बहुत अच्छा खाना बनाने का बहुत शौक था, तो वो हमेशा स्वामी के लिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाती थी, जैसे कभी गाजर का हलवा या ढोडा घर पे बना कर लेकर जाती थी। तो एक समय मेरी मम्मी ने ढोडा बनाया, और मुझे शुरू से बचपन से पेंटिंग का बहुत शौक है, और उन दिनों मैं कुछ फ्लावर पॉट्स पेंट कर रही थी, डेकोपैच एक उस वक्त टेक्निक बहुत पॉपुलर हुई थी, तो मैंने एक फ्लावर पॉट बनाया ब्लैक कलर का, उसके ऊपर रोजेस पेंट किए पिंक और रेड कलर के। तो मेरे डैडी ने बोला कि इतना अच्छा फ्लावर पॉट है, तुम ये स्वामी के लिए ले चलो। तो मैं वो फ्लावर पॉट लेकर हम लोग दर्शन लाइन में बैठ गए, उस समय कोई रोक टोक भी नहीं थी कि दर्शन में आप कुछ भी लेकर जा सकते थे। तो जब स्वामी ने इंटरव्यू रूम में बुलाया, तो मेरी मम्मी ने अपना वो ढोडा का बॉक्स दिया, और मैं थोड़ा सा शर्मा गई या डर गई, तो मैंने वो फ्लावर पॉट साइड में ही रखा हुआ था। तो स्वामी ने मुझे बोला, दिखाओ तुम्हारा वर्क कैसा है। तो फिर मैंने वो पॉलिथिन में से वो निकाला वो प्लांटर, तो स्वामी ने उसको बहुत ध्यान से देखा, तो ऐसे बोला कि बहुत अच्छा है, थोड़ा और नीट करो, थोड़ा और वर्क करो। तो ऐसे कह के स्वामी ने वो मेरे से एक्सेप्ट किया, और उन्होंने अपने साइड में जो शेल्फ था, स्वामी के इंटरव्यू रूम में साइड में एक शेल्फ था, वहाँ पे उन्होंने रख लिया। जब नेक्स्ट टाइम हम परती गए, शायद साल या 6 महीने के बाद, तो वो फ्लावर पॉट वहीं पर पड़ा हुआ था, और उसके अंदर विभूति के पैकेट्स पड़े हुए थे। तो मुझे ऐसे लगा कि स्वामी ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट भी किया और उसको विभूति रखने के लिए यूज़ किया, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। फिर स्वामी ने उसी में से विभूति के पैकेट्स उठा उठा के हम सबको दिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम गए, तो वो फ्लावर पॉट वहाँ नहीं था, लेकिन स्वामी ने उसको एक्सेप्ट किया, तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी। 1987 में जब हमारी शादी होनी थी, तो मेरी सिस्टर मधु और मैं, हम लोग की शादी 2 दिन के गैप में हुई थी। तो जब दोनों की शादी फिक्स हुई थी, तो मेरे डैडी, हम लोग सब परती गए स्वामी को बोलने के लिए और स्वामी से ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो मेरे डैडी ने स्वामी को बोला कि स्वामी, मेरी बेटियों की शादी आप करो।
तो स्वामी ने बोला कि नहीं, तुम शादी करो, मैं ब्लेस करूँगा, तुम शादी करके आओ, मैं ब्लेस करूँगा। और उस वक़्त शायद थोड़ा सा हमें फील हुआ कि स्वामी ने हमारी शादी करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर के हस्बैंड उस टाइम पे स्वामी के डेवोटीज़ नहीं थे। तो शायद अगर स्वामी कहते कि हाँ मैं शादी करता हूँ, तो शायद दोनों बॉयज़ साइड वाले ना मानते कि हम पति जाके शादी करेंगे। तो स्वामी ने बड़ा ब्यूटीफुली उसको हैंडल किया, बोला कि तुम शादी करो, मैं ब्लेस करूँगा। फिर स्वामी ने उस समय दो साड़ीज़ दी, एक मुझे और एक मेरी सिस्टर को, एज वेडिंग साड़ीज़। तो वो साड़ीज़ हमने अपनी शादी में पहनी, स्वामी की दी हुई साड़ी पहन के हमारी शादी हुई, स्वामी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। और शादी के बाद फिर हम लोग, मेरे डैडी की बहुत इच्छा थी कि बच्चों को लेकर मैं परती जाऊं, तो अगले साल फिर हम सब लोग स्वामी की ब्लेसिंग्स के लिए परती गए थे। हमारी शादी के बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड संजय स्वामी के डेवोटी नहीं थे, लेकिन वैसे भगवान के साथ बहुत जुड़े हुए थे, हनुमान जी के भक्त हैं, और मेरे इन लॉज सभी लोग भगवान से बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी के साथ उनका कोई कनेक्ट नहीं था। और मैं शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं उनको बोलूं कि आप भी स्वामी के साथ जुड़ो, लेकिन मैं अपने ही रूम में, एक छोटा सा स्टीरियो था जिसमें मैं स्वामी की वो कैसेट लगा कर भजन सुना करती थी, और एक बुक रहती थी मेरे बेड साइड पे स्वामी की, कुछ भी मैं पढ़ती रहती थी, मैं थोड़ा सा कुछ ज़रूर पढ़ती थी रोज़। और शायद संजय को इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो जैसे ही संजय रूम में आते थे तो मैं उस स्टीरियो को ऑफ कर देती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो संजय नोट करते थे कि मैं स्वामी की बुक पढ़ती हूँ या स्वामी के भजन सुनती हूँ। तो ना मैंने कभी संजय को बोला कि आप भी स्वामी के बारे में जानो या जुड़ो, और ना ही कभी संजय ने खुद कोशिश की। सिर्फ साल में एक बार स्वामी के बर्थडे वाले दिन हर साल मैं संजय को बोलती थी कि मुझे भजन में जाना है, आप मुझे ड्रॉप कर दो, क्योंकि उस समय मुझे कार भी ड्राइव करनी नहीं आती थी। तो साल में एक बार मुझे संजय भजन में ड्रॉप कर देते थे और फिर पिक करने आते थे, तो तब मैं कहती थी दो मिनट अंदर आ जाओ जब मुझे पिक करने आए हो। तो वो भी कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं पैसिवली वो संजय शायद स्वामी के बारे में सोचते थे, और मेरी अंदर से इतनी इच्छा थी कि संजय भी स्वामी के साथ जुड़ें, और मैं अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ भजन या श्लोक सिखाती रहती थी। तो जब कानों में पड़ती है तो संजय कहते हैं कि बच्चों के साथ साथ श्लोक बोलने मैंने भी सीख लिए। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में संजय का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और ये संजय भी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब स्वामी ने अपने आप को मेरे साथ जोड़ लिया। एक बहुत ही स्मूथ और साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन था संजय का। मैंने कभी नहीं कहा कि आप हमारे बच्चे स्वामी के स्कूल में पढ़े, मैंने कभी ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन जब संजय का हैदराबाद और पुट्टपर्ती आना जाना शुरू हुआ, तो संजय को इतना अच्छा लगा स्वामी के स्टूडेंट्स को देखकर कि उनके माइंड में आ गया कि मैं भी अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाऊँ। तो एक दिन जब मुझे संजय ने बोला कि हम भी अपने बच्चों को पुट्टपर्ती भेजते हैं, तो मुझे तो ऐसे एकदम शॉक लग गया। मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया? तो संजय ने कहा कि नहीं, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो मैंने संजय को बोला कि अगर तुम चाहोगे भी ना, तो दादा दादी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम शुरू से एक ही घर में रहे हैं। तो मुझे लगा कि मेरे इन लॉज नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि संजय ने उनको कैसे बताया और
कैसे किया, लेकिन वो भी एकदम से मान गए. और फिर हमारे बच्चों को पहले सरांच को एडमिशन मिल गया और अगले साल चिवेन चला गया परती. और जब तक सत्यम गया, क्योंकि सत्यम 6 साल छोटा है, तब तक स्वामी ने शरीर छोड़ दिया था. तो शायद मन में थोड़ी सी दुविधा भी थी कि सत्यम को भेजें या ना भेजें, लेकिन वो दुविधा सरांच और शिवेन ने इतना क्लियरली बोला कि पक्का जाना है, नहीं तो तुम सारी ज़िंदगी रिग्रेट करोगे कि मैं क्यों नहीं गया. तो बस फिर सत्यम भी चला गया. एक समय मैंने इंटरव्यू में स्वामी को कहा था कि स्वामी आप मेरे बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दे दो. और ये बात मैंने पहली बार अपने मुंह से स्वामी के सामने ही निकाली थी, मैंने कभी घर में नहीं कहा था. तो स्वामी कहते कि मैं एडमिशन दूंगा, लेकिन नॉट ईजी, उधर का आहार विहार बहुत डिफरेंट है. तो मैंने स्वामी को कहा कि नहीं स्वामी, दे विल लर्न. तो स्वामी चुप कर गए और मुझे लगा कि स्वामी नहीं मानेंगे. लेकिन फिर बाद में संजय की तरफ से आया कि इनको यहाँ पढ़ाते हैं, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन था. और स्वामी ने बच्चों को वहाँ पे रखा और हमारे बच्चे कहते हैं कि वो दो दो साल जो वो वहाँ पर रहे फॉर क्लास 11 और 12, वो उनकी लाइफ के बेस्ट ईयर्स थे, जबकि उनको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला. सरान शुरू से बहुत इंट्रोवर्ट चाइल्ड था और बहुत कम किसी से बात करता था, लेकिन जब वो 2 साल परती रह के वापस आया तो एकदम से उसकी पर्सनालिटी ऐसे ब्लॉसम कर गई. जैसे वो ही लर्न्ड कि मुझे कैसे बात करनी है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है. और शिवेन जब यहाँ से गया क्लास 10 के बाद, तो वो एक बहुत ज़्यादा नॉटी बच्चा था. और यहाँ पे स्कूल के उसकी सब टीचर्स कहती थी कि शिवेन को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ही वॉज वेरी नॉटी एंड वेरी राउडी. तो जब वो परती गया और 2 साल बाद वापस आया, तो एकदम से चेंज हो गया और एकदम मेलो डाउन हो गया. तो इससे मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक डॉक्टर होता है, उसको पता होता है कि किस मरीज को क्या दवा देनी है. तो जो बच्चा मेरा इंट्रोवर्ट था, उसको स्वामी ने बोलना सिखा दिया, और जो बच्चा मेरा बहुत नॉटी था, उसको थोड़ा सोबर डाउन कर दिया. और छोटा वाला सत्यम, वो जब गया तो स्वामी ने शरीर उस समय तक छोड़ दिया था. तो जब सत्यम की एडमिशन हुई, तब वहाँ पर समाधि बन चुकी थी. तो समाधि के सामने बैठकर वो इतना जुड़ जाता था कि वहाँ पर बैठ के वो पोइट्री लिखता था. साई कुलवंत हॉल में बैठ के अपनी कॉपी और पेन ले जाता था, एंड मुझे लगता है शायद कोई 400 के करीब पोएम्स उसने लिखी स्वामी के बारे में, समाधि के बारे में. सत्यम सत्यम सत्यम, हाउ आर यू, ऐसे करके स्वामी ने स्टार्ट किया था इंटरव्यू. और फिर लगता है ना माँ, देखो मैं तुम्हारे स्वप्न में आया, एक माला गिरा और तुम मुझे डाउट करता है, तुम सोचता है स्वामी है नहीं है, है नहीं है. माँ आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम विद यू, इन यू, अराउंड यू.